हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों का हमारे चैनल द्वारा एक बुक क्रिएट किया गया है। बुक का नाम है आकाश झारखंड बोर्ड टुडे। इसी बुक से हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के आकांक्षी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड यूट्यूब में करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। दोस्तों, जो आपका आहार नाल है सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम, ठीक है, जो लार में एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कोशिकीय जंतु है, तो दोस्तों एक कोशिकीय आप लोगों का अमीबा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों का है कि रेनिन का कार्य क्या है, तो रेनिन का सिंपल सा कार्य होता है दूध को प्रोटीन में पचाना। अगला आप लोगों का सवाल है कि उस उक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सौर सेल, इसका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। वो सौर सेल क्या करता है, आप लोगों का जो सौर ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद आप लोग आगे बात करें हम लोग, तो आप लोगों का है कि पवन में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है। दोस्तों पवन में गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है, पवन मतलब कि बहेगा हवा की तरह, ठीक है, तो इसमें आप लोगों का गतिज ऊर्जा पाया जाता है क्योंकि गति कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। पवन में ऊर्जा होती है, तो दोस्तों पवन में कौन सी ऊर्जा होती है, तो दोस्तों पवन में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए क्यों, पवन मतलब हवा, ठीक है, बहेगा तो ये तो खड़े नहीं है, ये बह रहा है यानी कि इसमें गति हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे आप लोगों का है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सौर सेल बनाने में आप लोगों का सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का 10th में ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद आप लोगों का है कि जैव मात्रा का स्रोत क्या है, तो दोस्तों जैव मात्रा का स्रोत दोस्तों नवीकरणीय है, यह कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल ने चुना था, जो मटर का प्रयोग वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा मेंडल, ठीक है, जो आप लोगों का अनुवांशिक तथा जैव विकास चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद वही चैप्टर से और एक क्वेश्चन है कि अनुवांशिक का जनक या काज किसे कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा ताप में अंतर क्या है, तो दोस्तों इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, कितना 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कितना अंतर होता है समझ में आ गया आपको। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का है कि समझात अंक का उदाहरण दीजिए, तो मैंने समझात अंक आप लोगों को समझा दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा कि हमारा हाथ कुत्ता का अग्रपाद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला आप लोगों का सवाल है कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुणसूत्र में पाया जाता है जीन, ठीक है, जीन किस में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग ये छोटे से पढ़ते आए होंगे, शायद 7 में ही चैप्टर था पर्यावरण, ठीक है, तो आप लोग 7 से ही पढ़ते आए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 जून, ठीक है, 5 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे है कौन प्राकृतिक पारितंत्र है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा नदी, ठीक है, नदी जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। उसके बाद उत्पादक डैश होते हैं, तो उत्पादक दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का है किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का है कि तापमान वर्षा पवन आदि पर्यावरण के क्या है, तो दोस्तों पर्यावरण के भौतिक कारक है, कौन से कारक है, भौतिक कारक। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करा के समाप्त कर दूंगा बहुत ही जल्द, ठीक है, और आप सभी के लिए और एक खुशखबरी आने वाला है, उसको देख लीजिएगा, वो वीडियो शायद शाम को ही आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों का है कि प्लेनेरिया की आँख होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुत साधारण, जो मैं
मैं आगे भी बता चुका हूँ आपको, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि मलेरिया रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ, ठीक। उसके बाद आप लोगों का है कि एक संक्रामक रोग है, तो इसका राइट आंसर होगा हैजा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा स्कर्वी का राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। उसके बाद आप लोगों का है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आयोडीनस का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का है कि स्तनधारी है, तो स्तनधारी क्या है, उष्ण रक्त प्राणी, ठीक है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होता है, तो दोस्तों मेंढक के हृदय में आप लोगों का 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है कि भारतीय मेंढक किस प्रकार आवास में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मृदुजल स्थलीय, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है, दोस्तों मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है। दोस्तों जाइलम देखिए, जाइलम जो है क्या करता है, ये जल का वाहन करता है, संवहन करता है, और दोस्तों फ्लोएम जो है इसका भोजन का संवहन करता है, यानी कि ये किसी का संवहन कर रहा है, तो ये कौन सा उत्तक होगा, संवहन उत्तक होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है रेखित पेशी क्या है, तो रेखित पेशी आप लोगों का क्या है, ऐच्छिक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों का कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक। उसके बाद आप लोगों का है कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आप लोगों का है कि ज्वारभाटा उत्पन्न होता है गुरुत्वीय बल के कारण। उसके बाद आप लोगों का है कि बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा, तो बहते जल में आप लोगों का गतिज ऊर्जा पाया जाता है, गोती हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। उसके बाद आप लोगों का है कि एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जिसमें वायु निषेचन होता है, जिसका राइट आंसर होगा मेंढक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन आपको बता दिया। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जिससे इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन इस बुक में, हमारा जो बुक बनाया गया है, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको आगे सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन बता दिया, आगे हमारा स्टार्ट होगा 41 से लेकर हम लोग जितना सकेंगे उतना क्वेश्चन आपको बताएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप लोग कोई स्कूल का ग्रुप है तो ये वीडियो डाल दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।